वेलकम टू माई चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी, आपका मेरे चैनल गैरी टी पर दिल से स्वागत है। आप लोगों ने बोला गैरी सर प्लीज़ वीडियो बनाई और बताई हमें यूके में आने के आसान तरीके कौन कौन से हैं, जब हम पढ़े लिखे हैं तब भी, जब हम अनपढ़ हैं तब भी, जब हम स्किल्ड हैं तब भी। तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आप यूके में 18 ईयर्स से रह रहे हैं और आपने एक ज़िंदगी यूके में एक सुई से लेकर मकान तक बनाया और आप खुद ज़मीन पर से ऊपर उठे हुए और आप एक एज फॉर्मर स्टूडेंट हैं, तो आपसे अच्छा हमें गाइड कोई नहीं कर सकता। तो प्लीज़ ऐसा वीडियो बनाइए ताकि हम लोग भी मोटिवेट होकर आगे यूके आकर सेट हो सकते हैं। बट कौन से ऐसे तरीके हैं जहाँ पर हम लोग आ सकते हैं। तो गाइस आज का वीडियो बहुत हाई डिमांड पर था। मेरी इंस्टाग्राम आईडी साइट पर रियल गैरी कुमार दिख रही है, जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है और आप भी वहाँ कनेक्ट हो सकते हैं। वहाँ डेली पोस्ट अपडेट होती है जब किसके जॉब मिलती है, कौन सी जॉब वेबसाइट्स है, कौन सी रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं। तो गाइस आप वहाँ पर आकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। अगर एक लड़का इंस्टाग्राम आईडी नहीं बना सकता जो कि फ्री है उसके फ़ोन पर, तो वो किस तरह यूके सेट हो सकता है, ये काफ़ी उसके लिए टफ है। मैं बहुत परिवार की तरह हूँ, मैं ऑनेस्ट बात करूँगा। तो गाइस हो सके तो वीडियो को दिल खोल के लाइक करना। इवन कि मुझे बुखार भी है, 101 डिग्री टेम्परेचर है और मैं सेक्टर 17 चंडीगढ़ बैठा हूँ और कल मैंने बस लेकर जलंधर जाना है, पर फिर भी यहाँ पर मैं सोचता एक वीडियो बना लूँ ताकि उस गरीब माँ के बेटे को मोटिवेट कर दूँ ताकि वो भी यूके आ सके और उसको भी कोई रास्ता दिख सके। तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहला मैथड जो सब लोग जो इंडिया के लोग या किसी और कंट्री पाकिस्तान से आते हैं, बंगला नेपाल से आते हैं, वो स्टडी बेस पर आते हैं। उसका कारण ये है कि यूके में स्टडी बेस का सबसे ईजी मैथड ये है कि जब यूके में आप स्टडी करते हैं तो आपको 2 साल का ग्रेजुएट रूट मिलता है, मतलब कि 1 साल की मास्टर, 2 साल की स्टडी। अगर आप बैचलर्स करते हो तो 3 साल की बैचलर्स, 2 साल का ग्रेजुएट, मतलब 5 साल का। तो और सबसे अच्छी बात ये है जो लड़का कम पढ़ा लिखा है, जो 8 पास है या 10 पास है, या कोई लड़की भी 8 या 10 पास है, आपके लिए एक अच्छी गुड न्यूज़ ये है आप यूके में स्टूडेंट डिपेंडेंट बना सकते हैं। जी हाँ, अगर आपकी वाइफ ने आइल्स क्लियर किया है, अगर वो मास्टर कोर्स करने आ रही है, तो उसका हस्बैंड अगर इंग्लिश आती भी नहीं और उसका हस्बैंड उसके साथ day 1 साथ में आ सकता है और उसका हस्बैंड अलाउड है, वो फुल टाइम काम भी कर सकता है। और बहुत सारी ऐसी जॉब यूके में है, मैंने खुलकर बताया है। तो प्लीज़ जो भी लड़का चैनल पर नया है, यहाँ पर मोर देन 250 वीडियोज़ है, देखना कि कौन सी स्किल पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब्स है। एक स्किल मैंने कवर की वेयर हाउस की, जहाँ पर वो लड़का बगैर कोई एक्सपीरियंस के जो स्मार्ट पिक कर सकता है और 2.5 लाख पर मंथ कमा सकता है, जबकि उसकी वाइफ अलाउड है 20 आवर्स एक जो यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते कर सकती है। तो उसकी वाइफ 800 पॉइंट कमाएगी और वो 250 कमाएगा, मतलब कि अराउंड 3 से 3 लाख 20 हज़ार छाप सकते हैं। जब उसकी वाइफ की यूनिवर्सिटी बंद होगी और वो लेटर लेगी यूनिवर्सिटी की, वो फुल टाइम काम कर सकती है, तो हस्बैंड और वाइफ छाप सकते हैं बड़े आराम से 4 से 5 लाख के बीच में। तो ये सबसे ईजी मेथड क्या है, जो लड़का कम पढ़ा लिखा है वो यहाँ पर डिपेंडेंट होकर वाइफ के ऊपर आ जाए, और जो लड़का लड़की में थोड़ा सा दम है वो स्टूडेंट पर आ सकता है और यहाँ पर स्टडी करने के बाद जॉब भी ढूंढ सकता है, जो सबसे पॉपुलर मेथड है। इसी मेथड पर मैं अभी यूके आया था, जो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ एज ए फॉर्मर स्टूडेंट्स। तो मैंने भी स्टडी की थी, 5 साल जॉब पर आया था, वर्क वीजा से बोलते हैं, उसके बाद में यूके में PR मिल गई थी। इसके अलावा लड़का लड़की क्या करते हैं, मेरे चैनल पर एक और वीडियो बना है, जो कि मैं सॉलिसिटर नहीं हूँ, एक गवर्नमेंट की वेबसाइट बाइबल की तरह मैं हर बार बोलता हूँ, आप वहाँ जाएँ। पर मेरे चैनल पर वकील आए, 4-5 वकील हैं, उन्होंने बताया है कि न्यू बॉर्न बेबी इन यूके, तो वो वीडियो देखना, न्यू बॉर्न बेबी इन यूके मेरे चैनल पर है, जहाँ पर बेबी 7 साल रहता है, तो आपको हस्बैंड और जो वाइफ, सॉरी, जो बेबी यूके में 7 साल रहता है, बॉर्न होता है, उसके बाद जो पेरेंट्स होते हैं उनको 2.5 ईयर का वीज़ा मिलता है, वो 10 साल के बाद वो यहाँ पर PR अप्लाई कर सकते हैं। पर कैसे अप्लाई करना, कौन सी कंडीशन है, तो प्लीज़ गो टू माय डेट वीडियो, जो मेरे चैनल पर वकील ने मेरे साथ बनाया हुआ है, वो है मेथड नंबर 2। अब तीसरा मेथड जो मेरे कज़न ने लिया है वो है 10 ईयर्स लॉन्ग रेजिडेंसी। अगर आप यूके में स्टडी पर आते हो, विजिटर पर आते हो, अगर एज लॉन्ग एज आप 10 साल लीगली रहते हो, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन और बाद में ब्रिटिश पासपोर्ट, उसको बोलते हैं लॉन्ग रेजिडेंसी। तो नंबर 3 पर है। नंबर 4 पर जो बहुत फ्रॉड होता है, जो लोग सीधे साधे हैं, उनको बोला जाता है कि आप टूरिस्ट वीज़ा पर यूके चले जाओ, आप कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क वीज़ा। जी नहीं, टूरिस्ट वीज़ा पर वर्क वीज़ा कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा पर आप 6 महीने रह सकते हैं मैक्सिमम 12 मंथ में, और घूम सकते हैं और लोकल वेदर इन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन कभी भी टूरिस्ट वीज़ा कन्वर्ट किसी और वीज़ा में नहीं होता, इवन कि स्टडी में भी नहीं होता है। तो अगर घूमने का प्लान है तो यूके आप टूरिस्ट वीज़ा पर भी आ सकते हैं। इसके अलावा एक और वीज़ा है जिसको ग्लोबल टैलेंट वीज़ा, अगर कोई सिंगर है, गाना गाना अच्छा गाता है, या कोई लड़का है जिसने कार निकाली, जिसको बोलते हैं पेट्रोल सेविंग कार निकाली है, ग्रीन कार निकाली जिससे
जो इलेक्ट्रिक कार निकाली है, कुछ भी है, टैलेंट है, जो सिंगर है, डांसर है, तो ग्लोबल टैलेंट वीज़ा अप्लाई कर सकता है। पर अगेन इसका वीडियो चैनल पर है, वकील ने बताया किस तरह अप्लाई करना है। एक और नया मेथड बहुत आज शुरू हुआ है, बहुत सारी न्यूज़ आ रही है कि यूके में 2 मिलियन जॉब शॉर्टेज है, जहाँ पर HGV ड्राइवर्स की बहुत ज़रूरत है। अगर कोई लड़का HGV ड्राइवर का लाइसेंस यूके में ले लेता है तो आई एम श्योर उसके लिए आज की डेट में Tier 2 जॉब ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। जॉब पर 5,000 रहेगा तो यूके में सेट हो सकता है। इसके अलावा यूके ने एक और शुरू किया है इनोवेटर वीज़ा, आपको बताइए वो आप चैनल पर जाना देखना कैसे अप्लाई करना बिजनेस वीज़ा। पर यूके ने शुरू करने जा रहा है बहुत जल्दी, इन फ्यूचर में अभी शुरू नहीं किया है, यूथ मिलिटी स्कीम, जहाँ पर इंडियन लोग 2 साल बगैर जॉब पर यूके आएंगे और यूके के लोग इंडिया जाकर 2 साल काम कर सकते हैं। और इंडिया और यूके ने वो डील साइन किए, पर वहाँ पर आपकी एज 30 ईयर से कम होनी चाहिए। तो गाइस बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं, पर अगेन सबके लिए आपको CV कवर लेटर बनाना पड़ेगा और डेली जो वेबसाइट है रजिस्टर होकर वहाँ जॉब अप्लाई करनी पड़ेगी। तो गाइस PhD भी कर सकते हैं आप, मास्टर्स भी कर सकते हैं, बैचलर भी कर सकते हैं, और आप इंडिया बैठकर सीधे वर्क विजा आ सकते हैं अगर आपके पास अच्छा CV। आपको पता है 2 लड़के राहुल दिल्ली से एज ए स्टोर मैनेजर 24 लाख का पैकेज लेकर आ चुका है, और एक लड़के को मिल गई होटल में जॉब, उसने इंडीड वेबसाइट से अप्लाई की थी। अगर ये लड़के दोनों जॉब इंडिया से बैठकर अप्लाई कर सकते हैं और वीज़ा भी ले सकते हैं, तो आप क्या सोच रहे, अपना CV कार्ड बनाइए और प्लीज़ मेरी ID इंस्टाग्राम रियल गैरी कुमार पर आइए, वहाँ मेरे से बात कीजिए और वहाँ पर मेरे से 1-to-1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और उसके लिए आपको प्रीमियम सर्विस लेनी पड़ेगी। पर अगेन नो वीज़ा क्वेश्चन आर अलाउड, बिकॉज मैं वकील नहीं हूँ और ना ही मैं कोई एजेंट हूँ। तो अगर कोई डाउट है प्लीज़ गो टू गवर्नमेंट की वेबसाइट, जो बाइबल की तरह है। तो गाइज आई होप आप मेरे चैनल यूरोप का गैरी सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ बताता हूँ कि अगर यूके में काम नहीं बनता है तो आप यूरोप भी जा सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग बैक टू इंडिया और पाकिस्तान। तो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू ऑल एंड आई विल सी ऑन नेक्स्ट वीडियो। ऑन द मीन टाइम गाइस स्टे सेफ एंड ब्लेस्ड, बाय बाय, टेक केयर।